हरदा जिले के खिड़किया शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के समाज सेवी लोग नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से खुलकर चर्चा की। खिड़किया नगर परिषद की सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में पानी, सड़क, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद अध्यक्ष यशोदा दुर्गादास पाटिल से संयुक्त रूप से चर्चा की, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए स्थानीय गांधी चौक, जहाँ राष्ट्रीय झंडा वंदन एवं अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जहाँ गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है, पूर्ण रूप से इस भवन को एक विशाल रूप देकर इसे निर्मित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वे पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, तालाब गहरीकरण, पेयजल समस्या समाधान सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में कमिश्नर उमाकांत उमराव ने बताया कि जितनी भी समस्याओं के आवेदन आते हैं, उनका निराकरण अवश्य करें और जनता की असुविधा को देखते हुए उनका निराकरण करें। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि अनिल मालाकार भी मौजूद थे। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट। बड़ी समस्या है और ओवरब्रिज जो है सेंशन भी है, क्या कारण है बन नहीं पा रहा है? पता लगा लो क्या कारण, कहाँ अटका हुआ, आइदर फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी या भूमि अर्जन का कोई मामला होगा या किसी विषय का कोई मकान हटाना होगा। सर क्या प्राथमिकता रहेगी मतलब खिड़किया नगरी क्षेत्र के लिए? भाई सरकार की प्राथमिकताएं वेल डिफाइंड हैं और शहर स्वच्छ होना चाहिए, लोगों में कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, शहर जैसा लगे। बहुत सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं उनका क्रियान्वयन हो जाए और गरीबों के लिए आवास मिले, ये सरकार की प्राथमिकता। यहाँ सर डॉक्टर की भी कमी है सर, एक ही डॉक्टर का भरोसा पूरे 100 गाँव का मतलब जुम्मा है, वही मतलब पूरा देखता है। डॉक्टर्स की कमी है नो डाउट, डॉक्टर्स की पूरे प्रदेश में कमी है। अभी नए मेडिकल कॉलेज बहुत सारे सरकार ने स्वीकृत किए हैं, तो अब जैसे ही उनका स्टाफ निकलेगा डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, लेकिन बीमारियां जिस गति से बढ़ रही हैं डॉक्टर्स की कमी अवश्यंभावी है, इसलिए